Assalamu alaikum, dear friends. My name is Dr. Aisha. Today we will discuss a very important topic. It's obesity. Obesity ka kya matlab hai? Iska matlab hai motapa. Agar hamara BMI index, yani body mass index, if it is more than 25, to ye overweight mein aata hai. If BMI index is more than 30, to ye obesity mein aata hai. ओबेसिटी के क्या कॉजेज हैं कि जितना आप कैलोरी इनटेक विद फूड ले रहे हैं उसको आप उतना यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो वो मोटापे की सूरत में हमारी बॉडी के गिर जमा होने लग जाता है. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, किस वजह से ओबेसिटी बहुत कॉमन है नाउअडेज? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स. अगर पेरेंट्स में, दादा दादी, नाना नानी में ओबेसिटी आ रही है, ये मोटापा आ रहा है, तो नेचुरली वो आगे वरासत में मुंतकिल हो सकता है. इसके अलावा सर्टेन डिजीज़ेज़ हैं, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारी वॉकिंग हैबिट्स हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फॉर ओबेसिटी. अब मोटापा जो है वो कौन सी बीमारियाँ दे सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं. कौन सी मेडिसन्स ओबेसिटी कॉज कर सकती हैं? जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मोटापा दे सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा ब्लॉकर्स हैं जो आप आमतौर पर हम हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं, दे कैन कॉज. औरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जितने हारमोन्स, जितने स्टेरॉइड्स हम दे रहे हैं, दे कैन कॉज ओबेसिटी. इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के लिए, वो सब जो हैं दे सकती हैं मोटापा. इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अस खुद भी मोटापा कॉज कर सकती हैं, जिनमें कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें और बहुत सारी बीमारियाँ भी शामिल हैं. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें. बहुत ज़्यादा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक लेना. अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इनटेक जो है ये बहुत कॉमन है आजकल. जंक फूड बहुत ज़्यादा है, बर्गर हैं, पिज़्ज़ाज हैं, डेजर्ट्स हैं, केक्स हैं, जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड मीट हैं, दे ऑल कैन कॉज ओबेसिटी. उसके बाद ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल में वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, इट शुड बी अ डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये आम प्रैक्टिस है, देखा गया है कि जितनी ज़्यादा कैलोरीज हम ले लेते हैं उतनी कैलोरीज को हम यूटिलाइज़ नहीं करते और वो फिर मोटापे की सूरत पे हमारी बॉडी पे जमा हो जाता है. इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स आजकल ड्यू टू आवर सोशल इकोनॉमिकल मैटर्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन के लिए लें, किसी वजह से लें. आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो ड्रग्स भी ओबेसिटी कॉज करती हैं. अब मोटापे के अपने भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं. एक तो लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि आप बहुत मोटे हैं, वो चीज़ भी एक डिप्रेशन कॉज करती है. कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो आप में आना शुरू हो गए हैं और आप लोगों का वज़न जो है वो एक ख़ास रेशो से ज़्यादा हो रहा है, आप लोग फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें. जो वज़न है वो हमेशा कद के हिसाब से होता है, जितना कद है उसी हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए. स्लीप डिस्टर्बेंस है, फोल्ड्स बनना शुरू हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग है. उसके अलावा ये है कि फूड आपकी हैबिट्स अगर ठीक नहीं है, यानी कि वेजिटेबल्स इनटेक कम है, ग्रेन्स इनटेक कम है, होल ग्रेन्स जिसको कहते हैं, और वॉक कम है, एक्सरसाइज कम है, और वज़न बढ़ता जा रहा है, नाइट स्लीप डिस्टर्ब है, कंसल्ट योर डॉक्टर्स. तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओबेसिटी इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक प्रॉब्लम है, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको बहुत बड़ी कम्युनिटी फेस कर रही है. तो आप ट्राई करें कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें. कुछ ड्रग्स जो आप ले रहे हैं, कुछ डिजीज़ हैं, इवन जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे होते चले जाएं और आपका बीएमआई इंडेक्स जो है वो मोर देन 30 होता चला जाए और आप लोगों को पता ही ना चले.
try to walk, try to exercise, try to include vegetables in your food, और कम से कम हाफ एन आवर अपनी वॉक के लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो आफ्टर अर्ली मॉर्निंग हो या आपके खाने के बाद हो. तो ट्राई टू बी सेफ एंड हेल्दी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. स्टे ब्लेस्ड. जज़ाकअल्लाह.